यूपी की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली अमेठी सीट पर इस बार पूरे देश की नजर है। यहां से एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी आमने सामने हैं। हालांकि दोनों ही नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई तो 23 मई को ही सामने आएगी, जब चुनावी नतीजों का ऐलान होगा। लेकिन वोटिंग के दिन राहुल और स्मृति की ओर से अपने अपने पक्ष में हवा बनाने की पूरी कोशिश की गई। मतदान के दिन यहां जिस तरह की गहमा गहमी दिखाई गई, उससे कई सवाल खड़े होने लगे हैं। मसलन नंबर एक, स्मृति की बौखलाहट। 2014 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी भले ही राहुल के हाथों करीब 1,00,000 वोटों से हार गई, लेकिन हार के बावजूद बीते 5 सालों के दौरान वो लगातार अमेठी में सक्रिय रही। इस दौरान वो चुपचाप अमेठी में अपने कामों के जरिए लोगों के दिल जीतने की कोशिश करती रही। यहां तक कि नामांकन से लेकर चुनाव प्रचार के दौरान भी स्मृति राहुल पर हमलावर होने के बजाय चुपचाप अपने काम में जुटी रही। लेकिन मतदान के दिन उनका जिस तरह का रौद्र रूप देखने को मिला, वो हर किसी को हैरान कर रहा था। चाहे बूथ कैप्चरिंग का मामला हो या फिर अमेठी के अस्पताल में एक शख्स की मौत का, स्मृति ने राहुल गांधी को घेरने की पूरी कोशिश की। नंबर दो, प्रियंका का इमोशनल कार्ड। 5वें चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी पर करारा प्रहार किया था। अपनी चुनावी रैली के दौरान पीएम ने राजीव गांधी को लेकर कहा था कि मिस्टर क्लीन का जीवन काल भ्रष्टाचारी नंबर वन के रूप में खत्म हुआ। प्रियंका ने मोदी के इस बयान के बहाने इमोशनल कार्ड खेल दिया। प्रियंका ने कहा कि इसका जवाब अमेठी की जनता देगी, जिनके लिए राजीव गांधी ने अपनी जान दी। इतने ही नहीं, चुनाव से पहले अमेठी की जनता के नाम अपनी चिट्ठी में राहुल गांधी ने अमेठी को अपनी ताकत बताया। उन्होंने अमेठी की जनता के प्रति अपना प्यार जताया। और नंबर तीन, राहुल का कॉन्फिडेंस। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में अमेठी सीट पर वोटिंग हुई। वोटिंग के दिन स्मृति ईरानी अमेठी में ही मौजूद थी, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का कोई अता पता नहीं था। स्मृति जहां वोटिंग के पल पल का हिसाब जुटाने में लगी थी, तो वही राहुल गांधी हरियाणा के भिवानी में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। स्मृति ने इसे भी मुद्दा बनाया और उन्हें घेरने की कोशिश की। हालांकि जानकारों की माने तो ऐसा कर राहुल ने ये बताने की कोशिश की कि वो रहे या ना रहे, अमेठी से उनकी जीत पक्की है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।